बड़नगर तहसील के भाट पशराना ग्राम पंचायत क्षेत्र के मुक्तिधाम में शव को दाह करने के लिए ग्रामीणजनों को अब किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़नगर तहसील के भाट पशराना ग्राम पंचायत क्षेत्र में बनाया जाएगा सर्व सुविधा युक्त मुक्तिधाम। यहाँ पर शव का दाह करने के दौरान ग्रामीणजनों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुक्तिधाम में बनी उसी को लेकर भाट पशराना गाँव में निवास करने वाले ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे। कई बार ग्राम पंचायत सहित जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष भी मांग रखी गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस ओर संज्ञान लिया व जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया। यहाँ पर जमीन का सीमांकन नक्शी कर मुक्ति धाम बनाने का काम भी शुरू होने वाला है। ये ग्राम पंचायत भाट पशराना है। यहाँ पे उद्यान के मध्य में 9 बीघा जमीन थी, जिसमें से 2 बीघा जमीन शमशान घाट के अलाट करवाई गई है। इसमें शमशान घाट निर्माण के साथ ही यहाँ जो सोनामा घाट है अत्यंत प्राचीन है, इसका सौंदर्यीकरण एवं इसका विस्तार करना है, और जिसको लेकर यहाँ जनसहयोग राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 21 लाख रुपए पुखराज मल जी, अशोक कुमार जी, प्रकाशन जी, बैरिया परिवार ने डोनेट किए हैं। उसके साथ ही अन्य ग्रामीण लोगों द्वारा भी इसमें जनसहयोग दिया जा रहा है, जिसको लेकर लगभग 40 लाख रुपए की योजनाएं हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ, जिससे यहाँ मुक्तिधाम भी बन सके और उसके साथ ही इस सोनामा घाट का जो है सौंदर्यीकरण हो सके और ये एक तीर्थ के रूप में यहाँ विकसित हो सके। उसके साथ ही यहाँ मांगलिक आयोजन के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हम ग्राम पंचायत के माध्यम से यहाँ करवाना चाहते हैं। भाट पशराना है और यहाँ पर शमशान घाट की बहुत ज़रूरत थी और यह ग्राम पंचायत भाट पशराना इसका निर्माण करवा रही है। गांव ग्रामीणों को बहुत सख्त ज़रूरत है इस सुविधा की। यहाँ शमशान घाट के साथ में यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, बजरंगबली जी का मंदिर है, यह सौंदर्यीकरण होगा और गाँव के लिए अच्छी सौगात होगी।